ओम शांति। आज हम करेंगे रिकॉर्डिंग 11 जुलाई और 12 जुलाई की, और 11 जुलाई के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा हमें यथार्थ रूप से चार्ट रखने के लिए कह रहे हैं और चेक करने के लिए कह रहे हैं कि हम किसी सिचुएशन या पांच तत्वों के या फिर अपने अंदर के मायावी जालों से तो हम कहीं फंस तो नहीं जाते हैं, और हमारा मन कहीं अचल अडोल होने की जगह कहीं डोलेमान तो नहीं हो जाता है। तो देखें परमात्मा कहते हैं, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट क्या है और ये चार सब्जेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहला है ज्ञान, फिर दूसरा है योग मतलब मेडिटेशन, फिर धारणा, क्या क्या धारण किया हमने, कौन कौन से पॉइंट्स धारण किए ताकि हमारी मन बुद्धि एकाग्र रहे, विचलित ना हो, और लास्ट में सेवा। सेवा हम तभी कर पाएंगे जब हमारी स्वयं की बुद्धि बहुत विचलित नहीं होती है और हमने हर ज्ञान के पॉइंट को अपने जीवन में अपनाया है, एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट किया है। तो परमात्मा कहते हैं यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रयोगी और परिवर्तन का अनुभव करना। हर सब्जेक्ट में अगर हम प्रयोग करेंगे इस ज्ञान को और उसमें प्रगति पाएंगे तो प्रगति होगी और परिवर्तन भी होगा और उसको अनुभव करना है। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति प्रकृति होगी, ये पांच तत्व का शरीर भी है प्रकृति, और बाहर जो पांच तत्व है वो भी प्रकृति हो गई। व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी ही है, पांच तत्वों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, और साथ ही साथ पांच जो मायावी विकार है उनके द्वारा भी आनी है। परिस्थितियां तो आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। तो स्वस्थिति कब बन सकती है? जब हम चारों सब्जेक्ट में हम इक्वल मार्क्स ले रहे हों। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव हो, ऐसे हमारा स्टेट ऑफ माइंड हो, मनोस्थिति हो, मनोबल हो, आत्मिक विश्वास हो, आत्मबल हो, कि वो परिस्थिति हमें खेल अनुभव हो, संकल्प में भी हलचल ना हो, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे कर दिया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, ना 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 ना, फुल स्टॉप। ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है, कि मतलब कि आप चेक कर रहे हैं कि आपकी आज सिचुएशन कैसे रही, मनोस्थिति कैसे रही, ये सिचुएशन आने से, पांच तत्वों की कंडीशन आने से आपने क्या किया, आपने कैसे विजय पाई, आप हलचल में आए कि नहीं आए, ये सब कुछ हम जब चार्ट में लिखते हैं कि आज क्रोध आ रहा था लेकिन मैंने ये ज्ञान के ये पॉइंट्स यूज करे और क्रोध बिल्कुल ठंडा हो गया और सिचुएशन कंट्रोल में हो गई। तो इसको कहते हैं माया जीत, प्रकृति जीत और विजय आत्मा। ये बने कैसे हैं ऐसे? इसके लिए आप 7 डेज का कोर्स करिए और वहाँ से अपनी शुरुआत करिए। इसके साथ ओम शांति।